तो ये महाविकास आघाड़ी जहां पर कमोबेश गठबंधन को लेकर सीटों के तालमेल पर बात बनती हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र अभी जनेंद्र कर रहे थे, लेकिन वहीं महायुति का हाल क्या है? चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर महायुति की भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस महायुति में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 145 से लेकर 155 के बीच सीटों का नंबर रहेगा जिस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। दूसरे नंबर पर शिवसेना रहेगी शिंदे की, 80 से 85 सीटों पर शिंदे गुट लड़ेगा और 55 से 60 सीटों पर अजीत पवार गुट लड़ेगा। और इसमें से बीजेपी अपने कोटे में से जो छोटे दल हैं, जैसे प्रहार पार्टी है, नवनीत राणा के पति की पार्टी है, ये इनको एक सीटें या एक दो सीटें एडजस्ट करके बीजेपी अपने कोटे से देगी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जिस निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 2019 का घटनाक्रम हुआ है, तो बीजेपी बहुत सावधानी से कदम रखना चाहती है और चाहती है कि हमेशा वो इस स्थिति में रहे कि सरकार बीजेपी के बिना ना बन पाए। तो इस प्रकार आपको बता दें कि महायुति का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, बहुत जल्द इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो सीटिंग गठबंधन है, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों में ही जो गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कमोबेश तय हो चुका है। आज दोपहर तारीखों का ऐलान चुनाव के लिए महाराष्ट्र भी झारखंड भी, जल्दी से जरा नम्रता का रुख करते हैं। ऐसे में नम्रता महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दोनों ही गठबंधन चेहरों के साथ उतरेंगे इस चुनावी लड़ाई में, या फिर चेहरों को अभी ठंडे बस्ते में अगर डाल दिया जाए दोनों को, महाविकास आघाड़ी को भी और महायुति को भी, सूट यही करता है फिलहाल। देखिए रोमाना, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक की है। जो चुनाव के निरीक्षक हैं उनसे उन्होंने एक डेटा मंगाया, रिपोर्ट मंगाया, जिस पर उनको रिपोर्ट में कहा गया कि आपको 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे जो हैं वो बराबरी की सीट चाहते हैं। और दूसरी आपने बात की चेहरे की, यानी कि मुख्यमंत्री चेहरे की, तमाम जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर है, हमने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतनी है, एमवीए की सरकार लानी है। और चेहरे की अगर बात है तो चेहरा का जो निर्णय है वो इलेक्शन के बाद लिया जाएगा, यानी कि अभी महाविकास आघाड़ी बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि किसी को चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। वो किसी तरह भी एक सीट को भी लूज नहीं करना चाहती है। तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी में 110 से लेकर 120 की सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, बराबरी की सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी चाहती है। शरद पवार गुट जो है वो 75 से 80 के बीच जो है वो सीट अपने पास रखना चाहती है। तो ऐसे में शुरुआती जो आंकड़े बता रहे हैं महाविकास आघाड़ी के, 200 सीटों पर बात बन चुकी है, जो है ना, देखिए वो दरवाजे एक तरीके से खुला रखना चाहते हैं अपने लिए। और ऐसे में अब बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी। टिकट बंटवारे को लेकर झारखंड बीजेपी की बैठक जारी है, शिवराज सिंह चौहान के आवास पर ये बैठक हो रही है। कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं। शाम को सीसी की बैठक में इन नामों को आगे रखा जाएगा और फिर इस पर औपचारिक मोहर लग जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, टिकट बंटवारे को लेकर झारखंड बीजेपी की बैठक जारी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस समय मौजूद हैं। शशांक, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए झारखंड में आपको बता दूं कि अभी तो बैठक हो रही है, सीटों का भी तय होना है कि अलायंस में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन से है। लेकिन एनडीए का स्वरूप क्या होगा ये अभी तय नहीं है। 2019 में जो बीजेपी हारी थी उसमें एक बड़ा कारण ये था कि आजसू से अलायंस नहीं हो पाया था, वो पार्टी अकेले लड़ गई थी, इसलिए बीजेपी को पूरे झारखंड में नुकसान हो गया था। तो आजसू से अलायंस हो जाए बीजेपी की ये कोशिश है, 9 से 11 सीटें आजसू को मिल सकती हैं। जदयू 11 सीटें चाहती है, लेकिन 2 सीट से ज्यादा बीजेपी देगी नहीं। जो बिहार के सहयोगी दल है वो झारखंड में बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। मांझी 10 सीट चाहते हैं, चिराग चाहते हैं कि उनको 8 से 10 मिले, नहीं मिलेगा तो वो 25 सीटों पर अकेले लड़ सकते हैं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, फिलहाल बीजेपी चिराग को एक ही सीट देना चाहती है। महागठबंधन का स्वरूप तय है, जेएमएम कांग्रेस वामदल और आरजेडी रहेगी, उधर सीटों को लेकर कोई अभी माथापच्ची चल नहीं रही है। और दूसरी बात, 2019 में बीजेपी के हारने का एक बड़ा कारण यह भी था कि आदिवासी वोट मिला नहीं था। रघुवर दास चेहरा थे वो आदिवासी नहीं है, तो इस बार बाबूलाल मरांडी चेहरा है, आदिवासियों के बड़े नेता है। तो 2019 से सबक लेते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे जो है बीजेपी इस बार बढ़ रही है। और आपको बता दें सरयू राय पिछली बार निर्दलीय लड़ गए थे, मंत्री थे, उनको टिकट नहीं मिला था, तो उन्होंने सीटिंग सीएम रघुवर दास को हराने का काम किया था और पूरे झारखंड में बीजेपी को उन्होंने डेंट मारा था। तो सरयू राय भी जेडीयू में आ गए हैं, तो बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज चौहान और जो सह प्रभारी हैं चुनाव के हेमंत विश्व शर्मा, एक एक रणनीति जो है बना रहे हैं ताकि बीजेपी 2019 के मुकाबले, जैसा कि आप बता रहे हैं, इस वक्त बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आती है नीरज। लेकिन सवाल ये कि वो जो सहयोगी चिराग पासवान के तौर पर एक बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं, उनको बनाने के लिए इस वक्त क्या कोशिशें की जा रही है?
लेकिन रोमाना चिराग पासवान से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि हमारा नेशनल लेवल पर जो गठबंधन है वो गठबंधन दिल्ली में है, मोदी सरकार के साथ है। लेकिन ना तो अभी किसी राज्य में हमारा ऐसा कोई गठबंधन एनडीए के साथ हुआ है ना अन्य जगह पे। यही कारण है कि हमने कई राज्यों में, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, हमने अकेले चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी से अलग। तो उनका मसला ये है कि उनको अपने कैडर को जिंदा रखने के लिए वो झारखंड में भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब रही बात ये कैसे पेच फंसा सकते हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चिराग कोई चुनाव ना लड़े, एक सीट वो अपने कोटे से देना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि एक सीट पर वो चुनाव लड़े, क्योंकि एक सीट पर चुनाव लड़ने पर आकर पेच फंस जाता है ना। देखना होगा कि आखिरकार इसका क्या हल, क्या तोड़ निकाला जाता है बीजेपी की तरफ से। मैं जल्दी से जरा दर्शकों को लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे भी इस समय मौजूद है। उत्तर प्रदेश में वो जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, यहां पर भी गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की सी स्थिति, वो संजय निषाद की नाराजगी की खबर। वीरेश, क्या अपडेट मिल रहा है मनालिया सहयोगियों को बीजेपी ने उपचुनाव के लिए? देखिए, धर्मपाल जी जो हैं संगठन महामंत्री, वो भी अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। कल ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई संजय निषाद की, केशव मौर्य से मुलाकात हुई, भूपेन चौधरी से टेलीफोनिक वार्ता हुई और बहुत सारी कवायद की गई कि संजय निषाद को मना लिया जाए। मनाया गया है कि नहीं मनाया गया? हमारे साथ जो हैं यूपी भाजपा के महामंत्री संजय राय जी हैं। भाई साहब, एनडीए में खटपट जो है, अगर ये खटपट नहीं सुलझी तो नहीं मना पाए संजय निषाद को, तो कैसे काम चलेगा? एनडीए में कोई खटपट नहीं है। और जहां तक सवाल संजय निषाद जी का है, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।